सब्सक्राइब कीजिए टेकजी 99 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ला अभी दोस्तों यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे टेस्ला की तरफ से एक बहुत ही बड़ा खबर के निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे टेस्ला मॉडल वाई करके एक नया फ़ोन यहाँ पे बहुत ही जल्द यहाँ पे टेस्ला की तरफ से लॉन्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेस्ला को मार्केट में आते ही दोस्तों यहाँ पे एप्पल जैसे जो बड़े ब्रांड है उन सभी के साथ यहाँ पे बड़ा कंपटीशन होने वाला है टेस्ला का। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो जो अभी लीक फिलहाल निकल के आया है यहाँ पे टेस्ला मॉडल वाई फ़ोन की तरफ से, उन सभी दोस्तों यहाँ पे लीक के बेसिस में यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में यहाँ पे टेस्ला मॉडल पाई और एप्पल जो आईफोन है उसके बीच में एक यहाँ पे स्मॉल कंपटीशन करने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे एप्पल आईफोन यहाँ पे प्रेजेंट मार्केट में यहाँ पे बहुत ही बड़ा और एक फेमस ब्रांड है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पिछले साल एप्पल ने यहाँ पे 200 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे आईफोन यहाँ पे सेल किए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जल्द यहाँ पे एप्पल का एक बहुत ही बड़ा कंपिटिटर यहाँ पे मार्केट में आने वाला है दोस्तों। तो इस कंपिटिशन के पीछे जिसका नाम है वो है दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क, जो यहाँ पे नया स्मार्टफोन मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लाने वाला है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे पाईफोन। और दोस्तों यहाँ पे स्मार्टफोन के पीछे जितना इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इलॉन मस्क स्मार्टफोन के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क इस कंपनी के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक स्मार्टफोन को मार्केट में लाने के लिए यहाँ पे जो जो फीचर की ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा फीचर लेके यहाँ पे पाईफोन यहाँ पे मार्केट में आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे इलॉन मस्क यहाँ पे कोई भी काम में यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। इस बारे में दोस्तों अगर आपका डाउट है तो यहाँ पे इलॉन मस्क का यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट वगैरह में यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नजर दिया जाए। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों यहाँ पे टेस्ला यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है। और दोस्तों यहाँ पे स्पेसएक्स भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे अंतरिक्ष में यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और यहाँ पे स्पेसएक्स नासा के साथ भी मिलकर यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे एक साथ यहाँ पे काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एप्पल भी बहुत दिनों से यहाँ पे कोशिश कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे टेस्ला जो था यहाँ पे शुरू में थोड़ा बहुत लॉस में था, इसलिए इलॉन मस्क भी चाहते थे यहाँ पे टेस्ला को एप्पल के पास भेज देने का। ये शायद आप लोगों को यहाँ पे बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल टेस्ला एक लीडिंग ब्रांड है वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों अभी सवाल है यहाँ पे टेस्ला आईफोन कैसे यहाँ पे एप्पल के साथ यहाँ पे कंपटीशन में टिका रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे टेस्ला आईफोन कैसे मैन्युफैक्चर होगा। आपको शायद यहाँ पे दोस्तों पता ही है एप्पल ने अपने शुरू में जो यहाँ पे आईफोन लॉन्च किया था यहाँ पे शुरू में दोस्तों वो यूएसए में लॉन्च हुआ था, और बाद में यहाँ पे एप्पल ने बहुत सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के साथ यहाँ पे टाई अप किया था। और आपको यहाँ पे पता ही है शायद यहाँ पे एप्पल का जो पार्ट्स वगैरह है यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह चिप वगैरह वो अलग अलग कंपनी यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, और दोस्तों बाद में वो अलग से यहाँ पे असेंबल होता है एक अलग जगह। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेस्ला जो है यहाँ पे अपना पार्ट जो है यहाँ पे शुरू से ही दोस्तों खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इसलिए दोस्तों टेस्ला को सबसे पहले यहाँ पे जो असेंबलिंग प्लांट वगैरह है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री का जो प्लांट है वो दूसरे इंडस्ट्री से थोड़ा यहाँ पे अलग है, इसलिए शायद यहाँ पे टेस्ला यहाँ पे बाहर के कंपनी के साथ भी यहाँ पे टाई अप में आ सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे पाईफोन का फिलहाल जो जो लीक्स यहाँ पे निकल के आया है उसके बेसिस में दोस्तों यहाँ पे आईफोन और पाईफोन के कैमरा के बीच में मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंपटीशन करने वाला हूँ यहाँ पे पाईफोन का कैमरा यहाँ पे कैसा होने वाला है। अभी दोस्तों यहाँ पे आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल है आईफोन 13 प्रो मैक्स उसके साथ यहाँ पे टेस्ला का पाईफोन का यहाँ पे कैमरा का कंपटीशन किया जाए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स में यहाँ पे आपको तीन लेंस मिलता है, और यहाँ पे टेस्ला पाईफोन में यहाँ पे प्रोटोटाइप में जैसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको चार लेंस मिलेगा। और यहाँ पे टेस्ला का यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे इसका जो कैमरा है यहाँ पे आईफोन से काफ़ी बेहतर होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे पाईफोन के कैमरा से आप बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपोजर के यहाँ पे रात का जो यहाँ पे आसमान है उसका पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों टेस्ला का यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे जो फोटो के लिए यहाँ पे टेस्ला अलग से लेंस देगा, और वीडियो के लिए यहाँ पे आपको अलग से लेंस मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आईफोन जो है यहाँ पे अपना जो नॉच डिस्प्ले है इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को ये नॉच डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे नॉच डिस्प्ले में डिस्प्ले का कुछ यहाँ पे पोर्शन जो है वो कट हो जाता है, इसलिए बहुत लोगों को यहाँ पे नॉच डिस्प्ले पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेस्ला का जो पाईफोन होने वाला है उसमें आपको कोई नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, इसमें शायद आपको एक अंडर डिस्प्ले यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो लीक्स निकल कर आ रहा है उसके
बेसिस में यही लग रहा है। और दोस्तों शायद यहाँ पे फोन में आपको एक इनबिल्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल भी देखने को मिल सकता है, जिसके मदद से आप बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना पावर बैंक के भी यहाँ पे फोन को चार्ज कर पाएंगे, जो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे टेस्ला पाई फोन में आपको सोलर चार्जिंग के अलावा भी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे फोन में आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे प्रोसेसर का बात किया है, दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में दोस्तों यहाँ पे एप्पल दोस्तों यहाँ पे शुरू से ही आगे था यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे मोबाइल चिप मैन्युफैक्चरर है उन सभी से। और दोस्तों यहाँ पे हाल ही में एप्पल ने जो यहाँ पे A15 प्रोसेसर यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स में यहाँ पे यूज़ किया है, वो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है वो भी आप इस प्रोसेसर से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो टेस्ला का प्रोसेसर होने वाला है शायद यहाँ पे इससे भी बहुत यहाँ पे पावरफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क का सपना है कि जब हम इंसान यहाँ पे मंगल में रहना शुरू कर देंगे तब यहाँ पे जो ये पाई फोन है वो यहाँ पे हम मंगल में यूज़ कर पाए। और दोस्तों यहाँ पे अगर इंसान यहाँ पे मंगल में रहना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे इंसानों को यहाँ पे करेंसी की भी ज़रूरत होगा, इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क ने हाल ही में एक कॉइन भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम यहाँ पे इलॉन मस्क ने दिया है यहाँ पे मार्स कॉइन, जिसके मदद से आप यहाँ पे जब इंसान यहाँ पे मंगल में रहना शुरू कर देंगे तब उसके मदद से यहाँ पे मंगल और जो अर्थ है उसके बीच में एक ट्रांजेक्शन हो पाए, इसके लिए इलॉन मस्क ने यहाँ पे मार्स कॉइन का भी इन्वेंशन कर दिया है। और दोस्तों ये जो मार्स कॉइन है ये काफ़ी कुछ क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, शायद ये एक स्पेस कॉइन भी हो सकता है बाद में। इसलिए दोस्तों यहाँ पे टेस्ला पाई फोन में जो प्रोसेसर मिलेगा वो इस मार्स कॉइन को भी यहाँ पे माइनिंग कर पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको इतना पावरफुल प्रोसेसर सिर्फ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। इस फोन में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिल सकता है, जिसका नाम अभी फिलहाल बताया जा रहा है यहाँ पे न्यूरालिंक, जिसके मदद से आपका ब्रेन से निकलता हुआ जो सिग्नल है वो ये फोन कैच करेगा और वो एनालाइज करके आपका हेल्थ वगैरह कैसा है वो यहाँ पे वो बता पाएगा। शुरू में दोस्तों यहाँ पे सुना जा रहा था कि यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स यहाँ पे आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेस्ला जो पाई फोन है यहाँ पे आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगा और यहाँ पे टेस्ला का खुद का जो सैटेलाइट है यहाँ पे स्टारलिंक उसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा और आपको यहाँ पे बहुत ही फास्टेस्ट इंटरनेट ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टारलिंक अभी भी फिलहाल यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज पे है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे जो इस टेस्ला का जो यहाँ पे फैंस वगैरह है बहुत ज़्यादा इस फोन को लेके यहाँ पे एक्साइटेड है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टारलिंक बहुत ही जल्दी यहाँ पे मार्केट में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सुना जा रहा है यहाँ पे स्टारलिंक सिर्फ यहाँ पे पाई फोन ही नहीं यहाँ पे स्टारलिंक यहाँ पे टेली सर्विसेज में भी आ सकता है यहाँ पे। और दोस्तों इस टेस्ला पाई फोन के सहारे अगर आपके पास यहाँ पे कोई टेस्ला कार होगा उसको भी आप यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे एप्पल यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री मार्केट में यहाँ पे बहुत सालों से मौजूद है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड देखा जाए तो टेस्ला एक बहुत ही नया ब्रांड है यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एप्पल को कंपटीशन देने के लिए यहाँ पे टेस्ला का जो डिज़ाइन वगैरह है और यहाँ पे फीचर वगैरह काफ़ी फ्यूचरिस्टिक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है इसमें टेस्ला को कोई भी परेशानी अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आईफोन को यहाँ पे पाई फोन क्या यहाँ पे कंपटीशन दे पाएगा, तो ये बारे में आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए यहाँ पे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मेरा एक सेकंड चैनल भी है दोस्तों, तो उस चैनल में आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है, तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कीजिए, आपको अगर पसंद आता है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, नमस्कार।